श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। सबको जय गुरु महाराज। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को उपदेश करते हुए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम लोगों को जो ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, बड़े भाग से मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। है तो बहुत उत्तम, कबहुं कि करी करुणा निर्देही, कभी भगवान करुणा करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है मानव योनि, इससे बढ़कर के कोई योनि नहीं हो सकती। लेकिन ये सब होते हुए भी इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कब हाथ से ये बाजी निकल जाए ठिकाना नहीं। बहुत अच्छा शरीर मिला है, मानव योनि मिला है, सब सोचने समझने और करने की क्षमता है आपके अंदर, लेकिन अगले क्षण जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये इसकी कमी है, इसका ये बिग पॉइंट है। प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है लेकिन अध्रुव है, अनिश्चित है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली। अंतिम समय में ये जीभ हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी, इसका क्या ठिकाना है। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले, पर राम कहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द, नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती हैं तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की सोचता है, भगवान का स्मरण कहाँ होता है। हाँ, चिल्ला करके दुख में भले करे, हाय राम हरे राम कहर कहर करके रो रो करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा। बुढ़ापे में भगवान का भजन जब करने चलोगे तो भगवान भी क्या कहेंगे। इसलिए ये बात अलग है, भगवान दयालु है, कैसे भी उनका भजन करो कल्याण ही है, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है। उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से समझ जाए उसी समय से ईश्वर की भक्ति में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानु, प्रहलाद जी ये भी कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं हे असुर बालकों, सुख प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं इंद्रियों से जो सुख मिलता है, संसार का जो सुख है, भोग है, इसके लिए भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? बोले ये भी प्रारब्ध से आपको मिलेगा। किस प्रकार से? बोले यथा दुख मयत्नतः, ये बड़ा सुंदर तर्क है प्रहलाद जी का, इस तर्क पर आप भी विचार करना। यथा दुख मयत्नतः, कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति, दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। आप दुख प्राप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप किसी से निवेदन नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप कोई संसाधन एकत्रित नहीं करते। यहाँ तक कि दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते कि हे प्रभु आप मुझे दुख दे दो। कोई करता है? नहीं करता। दुख के लिए आप कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है।
अयत्नतः बिना यत्न किए ही आता है, उसी प्रकार से बिना यत्न किए सुख भी आएगा, तय है। कैसे आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं, देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। दैवात माने प्रारब्ध के द्वारा, तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है और जितना दुख लिखा है, वो सुख दुख दोनों आएंगे। समय आने पे सुख आ जाएगा, समय आने पे दुख आ जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कुछ ना करो, फिर भी वो आएगा। एक पंडित जी थे, लक्ष्मी जी की आराधना किए कि हमें धन प्राप्त हो, बेटी का ब्याह करना है। चले गए तपस्या करने के, तपस्या करके लक्ष्मी को प्रसन्न किए ताकि बेटी का ब्याह करेंगे। अब आराधना करने उनको वर्षों लग गया। गांव के लोगों ने देखा पंडित जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो गांव के लोगों ने मिलजुल करके पैसा बटोरा, एकत्रित करके बेटी का ब्याह कर दिया। बेटी चली गई ब्याह करके। पंडित जी की तपस्या जब पूरी हुई, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपकी उपासना कर रहा था, तो आप इतना धन दे दो कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी तो भगवती हैं, भगवती महालक्ष्मी ने कहा विप्र, जिस बेटी के विवाह के लिए तुमने तप किया उसका विवाह तो हो गया, वो तो अपने घर चली गई, कुछ और मांग लो। तो पंडित जी ने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी के विवाह के लिए ही चिंता थी, वो बेटी का विवाह हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा तुमने कर्म किया, इस कर्म का फल तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तुमने आराधना किया तो इसका भोग तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। पंडित जी ने कहा हम नहीं लेंगे। लक्ष्मी ने कहा इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे विधान में है। पंडित जी ने कहा क्या भोग है इसका? बोले इसका भोग ये है कि एक वर्ष तक तुमको राजा बन करके राज्य सुख भोगना है। पंडित जी ने सोचा ये लक्ष्मी जी भी क्या बोलती है, एक वर्ष तक राजा बन करके राज्य सुख, मेरे जैसे दरिद्र को कौन राजा बनाएगा, कहां मैं राजा बनने जाऊंगा, ये तो कल्पना से परे की बात है। लक्ष्मी जी तो अंतर्धान हो गई, पंडित जी चल पड़े। लेकिन पंडित जी विद्वान थे, वेद पढ़ा था उन्होंने, लक्ष्मी की महिमा को उन्होंने जाना था। पंडित जी ने सोचा लक्ष्मी की बात झूठी तो नहीं हो सकती, वो भगवती है, उनकी वाणी में मिथ्या नहीं जा सकती। अब एक वर्ष के लिए हमको राजा बनना पड़ेगा, तो राजा बन करके मैं राज सुख भोगूंगा, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन तो तपस्या के लिए है, ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए, मैं क्या करूं? तो पंडित जी ने सोचा इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ मर जाऊंगा तो राजा बनने से बच जाऊंगा। अब देखिए बुद्धि, अब प्रारब्ध अपना काम करता है। पंडित जी ने सोचा हम मर जाएं तो इस प्रारब्ध से बच जाएंगे, राजा नहीं बनना पड़ेगा। अपने से मरते हैं जाकर के तो आत्महत्या का पाप लगेगा, कोई मार दे तो ऐसे ही बिना कारण कोई किसी को क्यों मार देगा। तो पंडित जी को बुद्धि सूझी, सोचा चलो राजा का अपमान करेंगे, राजा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, राजा क्रोध में आकर के हमें मृत्यु दंड सुना दे। तो राजा के द्वारा जिस किसी को दंड मिलता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती है, तो मैं अकाल मृत्यु से भी बच जाऊंगा। पंडित जी आए और सोचने लगे क्या अपराध करें कि राजा क्रोधित होकर के मुझे मृत्यु दंड दे, छोटे मोटे अपराध पर तो मृत्यु दंड देगा नहीं। तो पंडित जी को बुद्धि आई, सभा में पहुंचे, राजा दरबार में बैठे थे अपने सिंहासन पर दरबार लगा के। पंडित जी ने अपना जूता उतारा और खींच करके मारा राजा को एक जूता। राजा ने, पंडित जी ने सोचा इतने इसके बाद तो मृत्युदंड मिलेगा है, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं, इतना बड़ा अपमान राजा का कौन कर सकता है, जूता फेंक करके मारा। लेकिन जूता आते देखकर राजा ने सिर ऐसे कर लिया, जूता जाकर के छत्र के डंडे में लगा तड़ाक से, जो सिंहासन में छत्र लगा था, और उसी छत्र के डंडे में एक सर्पिनी, एक नागिन घूम रही थी राजा को काटने के लिए, दंश करने के लिए। उसी नाग पर, वो सर्पिनी पे जाकर के जूता लगा, वो सर्पिनी नीचे गिरी और छटपट छटपट करके मर गई। राजा ने देखा, सेवकों ने पकड़ लिया पंडित जी को, तब तक देखा सांप मरा पड़ा, जूता पड़ा है। लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो, इस ब्राह्मण ने अपराध किया। पकड़ करके पंडित जी लाए गए। उसी समय कुल पुरोहित को बुलाया गया। राजा ने कहा महाराज ये कैसी घटना, इस ब्राह्मण ने मुझे जूता मारा और ये नागिन
मेरे सिंहासन में थी, ये मर गई जूता लगने पर। तो जो कुल पुरोहित थे उन्होंने राजा की कुंडली निकाली और कुंडली पढ़ करके कहा, राजन आज आपका काल सर्प योग था, काल सर्प योग था, आज आपकी मृत्यु संभव थी, लेकिन इस ब्राह्मण की कृपा से आप बच गए, इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आप बच गए, इसलिए जूता मारा इसने और वो नागन मर गई और आपका काल सर्प योग दूर हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने तो मेरे जीवन को बचा लिया, अब तो आप इस गद्दी पर बैठो, जबरदस्ती पकड़ करके बैठा दिया अपने सिंहासन पे, महाराज आप सिंहासन पर बैठो हम आपकी सेवा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं महाराज हमको फांसी सुनाओ, हम मरना चाहते हैं। राजा ने कहा, रे 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 ऐसा कैसे हो सकता, आपने मेरे जीवन को बचाया है और मैं आपको फांसी सुनाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, आप मेरे गद्दी पर बैठो मैं आपकी सेवा करूंगा, आप ब्राह्मण हो आचार्य हो। अब तो राजा की ऐसी श्रद्धा उमड़ी, महाराज चरणों में लौट गया। और ब्राह्मण तो ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी का कि थोड़ी सी कोई श्रद्धा प्रकट कर दे और सम्मान कर दे तो ब्राह्मण रीझ जाते हैं, उसके पास और कुछ नहीं है। ब्राह्मण केवल सम्मान का भूखा है और श्रद्धा का भूखा है, और उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई झूठी भी श्रद्धा दिखा दे तो उसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं, भले उससे उसका नुकसान हो जाए, ये ब्राह्मण का धर्म है। तो ब्राह्मण को दया आ गई, ब्राह्मण ने कहा, जब इतनी सेवा ये करने को तैयार है मैं इसको क्या कहूँ। अब तो महाराज राजा उस ब्राह्मण की रोज सेवा करे, सिंहासन पर बैठा है, साथ में घुमाए रथ पे लेकर के, धीरे धीरे राज सुख भोगते भोगते बड़ा मजा आने लगा, पंडित जी को भूल गए सब पुरानी बातें, एक साल तक राज सुख भोगा। राजा शिकार खेलने जाए तो इनको भी साथ में लेकर के जाए, आप चलो साथ में जाते, जंगल में वस्त्रावास लगा, दोनों के पलंग अगल बगल ही लगते थे, इधर राजा इधर महाराज पंडित जी दोनों लोग। रात में जंगल में वस्त्रावास लगा था, शिविर लगा था, वहीं पर विश्राम कर रहे थे, सैनिक लोग चारों तरफ लगे थे। रात्रि में एक सर्प जंगल से कहीं से घूमते हुए उस शिविर में घुस गया, खुरखुर की आवाज हुई, राजा तो गहरी नींद में सो रहा था, पंडित जी की नींद खुल गई, देखा ये सर्प तो राजा की ओर जा रहा। पंडित जी ने सोचा, इस राजा ने मेरी इतनी सेवा की, अपनी गद्दी पर बैठा के मेरी आरती उतारता है और ये सर्प राजा की ओर जा रहा, कहीं राजा को काट लेगा तो राजा की तो मृत्यु हो जाएगी। उस सर्प को मारने के लिए पंडित जी ने अपनी तलवार निकाली, क्योंकि राजा के साथ रहते थे तो तलवार अस्त्र शस्त्र सब रखते थे। जो ही तलवार निकाली, खर्र से सांप तो भाग गया, लेकिन खर्र की आवाज होते ही राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा पंडित जी ने अपनी तलवार निकाल के रखी है, राजा की बुद्धि बदल गई, बोले ब्राह्मण तेरी मैंने पूजा की और तेरा इतना सम्मान किया और आज तू एकांत अवसर पकड़ के मुझे मार देना चाहता है, उल्टा अर्थ निकल गया। राजा ने कहा, तुम मेरी हत्या करना चाहते हो, यहाँ जंगल में मार दे तो तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो जाए। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, एक सर्प आया था। बोले कहाँ सर्प, सर्प तो भाग गया था, क्या प्रमाण देते वो। रात्रि का समय, तलवार हाथ में, वहां दूसरा कोई था नहीं, कितनी भी सफाई दी पंडित जी ने, राजा ने स्वीकार नहीं किया। क्यों, बोले प्रारब्ध विपरीत आ चुका था, कर्म का भोग पूर्ण हो चुका था, वैसी अवस्थाएं सृजित हो गई, व्यवस्था वैसी बन गई। राजा ने विचार किया इसको क्या दंड दें, फिर राजा ने सोचा, राजा ने कहा कुछ भी हो, एक बार इसने मेरे प्राण की रक्षा की है और आज ये भले मुझे मारना चाहता हो लेकिन मारा तो नहीं, तो मैं इसको मृत्यु दंड क्यों दूं। राजा ने कहा, ठीक है ब्राह्मण, तूने एक बार मेरे प्राण की रक्षा की इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। पंडित जी चल पड़े, सब सुख छोड़ करके, सुविधाओं को छोड़ करके जब फिर चल पड़े राज्य की सीमा से बाहर निकले तो लक्ष्मी जी रास्ते में मिल गए। लक्ष्मी जी ने कहा, कहो विप्र, कर्म का फल क्या होता है, तुम्हें अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ा, तो ये प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है, सुख दुख प्रारब्ध में जितना लिखा है वो समय आने पे बिना प्रयास के ही आ जाते हैं, वो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, भाग में तो भाग के आएगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, असुर बालकों ये सुख दुख प्रारब्ध बस आते हैं, जिस तरह दुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोई प्रयास नहीं करता और वो आ जाता है, उसी प्रकार सुख भी आएगा, इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़कर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के असुर बालक उनके भक्त बन गए और सब भगवान का कीर्तन करने लग गए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।